नमस्कार दर्शकों, जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है तो ऊपर के लोगों से अवतारगण धर्म की स्थापना करने के लिए अवतरित होते हैं। उन्हीं अवतारों में से एक थे हजरत ईसा जी। हजरत ईसा जी को पूर्ण परमात्मा सतलोक से आकर मिले थे तथा एक परमेश्वर का मार्ग समझाया था, जिसके बाद ईसा जी लोगों को एक ईश्वर की भक्ति समझाने लगे थे, जिसका लोगों ने बहुत विरोध किया। लेकिन फिर भी ईसा जी अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए, जिससे लोग उन्हें परमेश्वर का दूत अर्थात नबी मानना शुरू कर दिया, जिस वजह से हजरत मूसा जी के अनुयायी यहूदी ईसा जी के यानी दुश्मन हो गए थे। उस समय के धर्म गुरुओं को डर हो गया था कि यदि हमारे अनुयायी हजरत ईसा मसीह के पास चले जाएंगे तो हमारी पूजा का धन कम हो जाएगा। दर्शकों, वैसे तो ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या के हिसाब से इस धर्म को दुनिया का सबसे बड़ा धर्म माना जाता है, लेकिन कोई भी धर्म बड़ा या छोटा नहीं होता। जिस तरह आज अन्य धर्मों में भ्रांतियां फैली हुई हैं, उसी तरह पवित्र ईसाई धर्म भी भ्रांतियों से अछूता नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम आपके सामने ईसाई धर्म में फैली भ्रांतियों का खुलासा करने जा रहे हैं, जिसके लिए आप वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिए। दर्शकों, ईसाई धर्म में फैली पहली भ्रांति है कि ईसाई धर्म के लोग मानते हैं कि ईसा मसीह अर्थात जीसस स्वयं प्रभु यानी गॉड थे, जबकि बाखबर संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि पवित्र बाइबल मती 27 तथा 28:20 पृष्ठ 45 से 48 में लिखा है कि मृत्यु से पहले हजरत ईसा जी ने उच्च स्वर में स्वयं कहा था कि हे मेरे प्रभु, आपने मुझे क्यों त्याग दिया। साथ ही बाइबल इब्रियों 1:5, मैथ्यू 17:5, मार्क 1:11 व ल्यूक 20:13 में भी बताया गया है कि यीशु को भगवान द्वारा पूर्ण परमात्मा का संदेश देने के लिए भेजा गया था। वे ईश्वर के पुत्र अर्थात दूत थे, जिससे स्पष्ट होता है कि ईसा जी प्रभु नहीं थे बल्कि प्रभु के पुत्र अर्थात दूत थे। इसलिए ईसाई धर्म के लोगों का जीसस को गॉड मानना गलत है। वहीं ईसाई धर्म में फैली दूसरी भ्रांति यह है कि क्रस पर लटकाने के 3 दिन बाद ईसा मसीह फिर से जिंदा हो गए थे। उस दिन रविवार था। यही वजह है कि गुड फ्राइडे के बाद पड़ने वाले पहले रविवार को ईस्टर संडे मनाया जाता है। ये बात सत्य है कि क्रस किए जाने के कुछ दिनों के बाद हजरत ईसा जी फिर दिखाई दिए तथा फिर कुछ स्थानों पर दर्शन व प्रवचन करके अंतर्ध्यान हो गए, जिसका प्रमाण पवित्र बाइबल मती 27 तथा 28:20 पृष्ठ 45 से 48 में है। लेकिन यह पूर्ण सत्य नहीं है कि वह ईसा मसीह ही थे, बल्कि संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि पूर्ण परमात्मा ही भक्ति की आस्था बनाए रखने के लिए ईसा जी की मृत्यु के पश्चात ईसा जी का रूप धारण करके प्रकट होकर ईसाइयों के विश्वास को प्रभु भक्ति पर दृढ़ रखा था। नहीं तो ईसा जी के पूर्व चमत्कारों को देखते हुए ईसा जी का अंत देखकर कोई भी व्यक्ति भक्ति साधना नहीं करता और वे नास्तिक हो जाते, जिसका प्रमाण पवित्र बाइबल में यूहन्ना ग्रंथ अध्याय 16 श्लोक 4 से 15 में दिया गया है कि जिसे ईसाई धर्म के लोग शैतान कहते हैं वह वास्तव में ब्रह्मकाल है, जिसका प्रमाण पवित्र श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 11 श्लोक 21-32 में है। यह शैतान काल यही चाहता है कि कोई भक्ति न करे यानी नास्तिक बन जाए। इस शैतान काल की वास्तविक जानकारी जानने के लिए आप www.jagatgururampalji.org वेबसाइट से बाखबर तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पवित्र पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। यह शैतान काल पुण्यात्माओं को पहले तो अपना अवतार यानी रसूल बनाकर भेजता है, फिर चमत्कारों द्वारा उसको भक्ति कमाई से रहित करवा देता है। उसी में कुछ फरिश्तों यानी देवताओं को भी प्रवेश करके कुछ चमत्कार फरिश्तों द्वारा उनकी पूर्व भक्ति धन से करवाता है और उनको भी शक्तिहीन कर देता है, जिसका प्रमाण पवित्र बाइबल में यूहन्ना ग्रंथ अध्याय 9 श्लोक 1-34 में है कि एक व्यक्ति जन्म से अंधा था। वह हजरत यीशु मसीह के पास आया तथा हजरत यीशु जी के आशीर्वाद से उसे आंखों से दिखाई देने लगा। शिष्यों ने पूछा, हे मसीह जी, इस व्यक्ति ने या इसके माता पिता ने कौन सा ऐसा पाप किया था जिस कारण से यह अंधा हुआ। यीशु जी ने कहा कि न इसका कोई पाप है और न ही इसके माता पिता का कोई पाप है जिस कारण उन्हें अंधा पुत्र प्राप्त हुआ। यह तो इसलिए हुआ है कि प्रभु की महिमा प्रकट करनी है, जिससे सिद्ध है कि यदि पाप होता तो हजरत यीशु आंखें ठीक नहीं कर सकते थे तथा काल रूपी ब्रह्म ने यीशु जी की महिमा बनाने के लिए अपनी शक्ति से किसी प्रेत द्वारा उस लड़के को अंधा करा रखा था, जो यीशु जी के पास आते ही निकल गया और व्यक्ति को दिखाई देने लगा था।
इस तरह शैतान काल के भेजे अवतार अंत में कष्ट प्राप्त करके मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, और इस प्रकार शैतान काल ब्रह्म के द्वारा भेजे नबियों अर्थात अवतारों की महिमा हो जाती है। अनजान साधक उनसे प्रभावित होकर उसी साधना पर अडिग हो जाते हैं, और जब पूर्ण परमात्मा या उनका संदेश वाहक वास्तविक भक्ति ज्ञान व साधना समझाने की कोशिश करता है तो कोई नहीं सुनता तथा अविश्वास व्यक्त करते हैं। यह सर्व शैतान काल ज्योति निरंजन का सुनियोजित जाल है, जिसे केवल पूर्ण परमात्मा या उसका कृपा पात्र संत अवतार ही बताता है तथा सत्य भक्ति प्रदान करके आजीवन साधक की रक्षा करता है, जिससे सत्य भक्ति करके साधक पूर्ण मोक्ष को प्राप्त करता है। वहीं यदि ईसाई धर्म में फैली अन्य भ्रांतियों की बात करें तो ईसाई धर्म के लोग मानते हैं कि परमात्मा निराकार है, तथा इनका यह भी मानना है कि बाइबल में मांस खाने का आदेश परमेश्वर का है, जबकि संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, सर्वप्रथम आपको पवित्र बाइबल से परिचित कराते हैं। पवित्र बाइबल के पढ़ने वालों से आप पूछिएगा, परमात्मा साकार है वा निराकार? वो कहेंगे परमात्मा निराकार है, और कहते हैं गॉड इज फॉर्मलेस। उन्होंने फिर पवित्र बाइबल को समझा ही नहीं। पवित्र बाइबल में लिखा है कि परमात्मा मनुष्य दृश्य है, और छठे दिन उस परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न करेंगे, और वैसा ही कर दिया। छठे दिन भगवान ने मनुष्य को अपने स्वरूप में उत्पन्न किया, नर और नारी करके उनकी उत्पत्ति की। अब देखिएगा प्रमाण पवित्र बाइबल में। पवित्र बाइबल संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल। पवित्र बाइबल संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल। संपादक हैं डेविड स्टुअर्ट, अंग्रेजी। प्रधान संपादक डेनाल्ड सी स्टाम्प्स, एमए, एमडीवी। संयुक्त संपादक ये सारे कुछ लिखे इनके। ये यूएसए से छपा है। अब ये देखिएगा उत्पत्ति, जिसको इंग्लिश में अंग्रेजी में बोलते हैं ये जेनेसिस। जेनेसिस आरंभ यहां होता है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमात्मा का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो, तो उजियाला हो गया, और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया, और परमेश्वर ने उजियाले को दिन, अंधियारे को रात कहा। सांझ हुई, फिर भोर हुआ, भोर माने सुबह। इस प्रकार ये पहला दिन की रचना की प्रभु ने, परमात्मा ने, परमेश्वर ने। फिर परमेश्वर ने कहा कि जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए, तब ऐसा ही होगा। तथा इस प्रकार सांझ हुई, फिर भोर हुआ, ये दूसरा दिन हो गया। फिर तीसरे दिन कुछ और रचना की। सांझ हुई, फिर भोर हुआ, फिर ये तीसरा दिन हो गया। ये फिर सांझ हुई, फिर भोर हुआ, ये चौथा दिन हो गया। कुछ और रचना की परमात्मा ने, चौथा दिन हो गया। फिर ये प्रश्न नंबर 5 पे तथा फिर और बहुत सी रचनाएं की परमेश्वर ने, तो सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार ये पांचवा दिन हो गया। अब हम छठा दिन पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें, यानी उनसे बुद्धिमान हो। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया,
अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। पुण्यात्माओं फिर पढ़ लो। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की। अब पवित्र बाइबल में उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय नंबर 1 का श्लोक नंबर 26 है ये। इसमें स्पष्ट कर दिया है कि परमात्मा मनुष्य जैसा है, उसने मनुष्य को अपने जैसा बनाया है, नर और नारी करके उसकी उत्पत्ति की। आगे परमेश्वर ने एक और कमाल किया है कि मनुष्यों के लिए मांस खाने का आदेश उस परम पिता का नहीं है जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की, जो कुल का मालिक है। आगे देखिएगा इसी उत्पत्ति ग्रंथ में ये 26 नंबर हमने पढ़ लिया 27 नंबर में कि मनुष्य 26 और 27 में यही व्यवस्था बताई है। ये 27 श्लोक में लिखा है कि तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया और नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की। अब 29 श्लोक में देखो, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, मनुष्यों को, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए। अब पूर्ण परमात्मा का कोई आदेश नहीं है मांस आहार करने का किसी भी मनुष्य को। दर्शकों, इससे स्पष्ट है कि ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों, पादरियों को स्वयं पवित्र बाइबल का भी ज्ञान नहीं है, जबकि अनऑर्थोडॉक्स जेविश बाइबल के IYOV 36:5 में पूर्ण परमात्मा की जानकारी देते हुए स्पष्ट लिखा है कि परमात्मा कबीर है लेकिन किसी से भी नफरत नहीं करता है। वह कबीर है और अपने उद्देश्य में दृढ़ है। और संत रामपाल जी महाराज अन्य सर्व धर्म ग्रंथों जैसे ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2 ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 1 मंत्र 5, यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 32, यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 8, अथर्व वेद कांड 4 अनुवाक 1 मंत्र 7, कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 आदि से भी सिद्ध करते हैं कि पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर जी हैं, जिन्होंने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है और यही परमात्मा साधकों के लिए पूजा के योग्य है। वहीं इसका प्रमाण आदरणीय संत गरीबदास जी ने भी दिया है। अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सत गुरु पुरुष कबीर हैं, कुल के सृजनहार। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जाति जुलाहा भेद न पाया, काशी माही कबीर हुआ। वहीं कबीर परमेश्वर जी ने अपनी जानकारी स्वयं दी है। कवि नाम जो बेदन में गावा, कबीरन कुरान कह समझावा, वाही नाम है सबन का सारा, आदि नाम वाही कबीर हमारा। दर्शकों, इन सभी प्रमाणों से सिद्ध होता है कि आज बाइबल सहित सभी धर्म ग्रंथों का वास्तविक ज्ञान बाखबर संत रामपाल जी महाराज जी के पास है। अतः ईसाई धर्म को मानने वाले सभी लोग स्वयं विचार करें, जिस भक्ति को ईसा मसीह जी करते थे उससे उनकी स्वयं दर्दनाक मौत हुई थी, तो उनके द्वारा बताई गई भक्ति को करने या ईसा मसीह को प्रभु मानकर प्रार्थना करने से हमें क्या प्राप्त हो सकता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों को प्रतिदिन संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल पर अवश्य देखें तथा सतभक्ति को प्राप्त कर एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति करें, जो कि वास्तव में परमात्मा है, जिससे आपके मानव जीवन का कल्याण हो सके और आप शैतान काल के जाल से निकल सकें। धन्यवाद।